निकल के आते। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस में, अब पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, तो मैं बना रही हूँ इंडियन ऑयल गेस्ट हाउस। इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस है, तो 200 मीटर पे आ जाएगा, 200 मीटर पे राइट पे। फ्रेंड्स ये सर्च कर लो, यहीं कहीं होगा गेस्ट हाउस, आई डोंट नो किधर है। ये रहा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र इंडियन ऑयल, थोड़ा स्लो स्लो आ गया मैं। चलो 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 चलो, यही वाला चलो चलो आगे लो, आगे ये गेट होगा, ये अगला गेट होगा। आ चुके हैं हमारे गेस्ट हाउस। मम्मी इंडियन ऑयल वाली फ्री में पेट्रोल, ये पे ऊपर चढ़ा दीजिए ना, पार्किंग पार्किंग चढ़ा दीजिए ना, उनकी स्टाफ पार्किंग एरिया बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हाँ पहन लेंगे कल, लाइन पहन लेंगे पक्का। पर तेरे और मेरे स्पेक्स में ना ज्यादा फर्क नहीं है, बस तेरा स्पेक्स का फ्रेम मोटा है और मेरे स्पेक्स का बिल्कुल स्लीक था। आप कह रहे हो क्लियर नहीं दिख रहा था। अरे वो तो दिख नहीं रहा मेरे को, दूर का क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा फ्रेम की बात कर रहे हो, फ्रेम की? यस हाँ, फ्रेम के लेके एक्चुअली ना आपका कलर भी डिफरेंट है। नहीं मेरा कलर भी पिंक ही था। नहीं आपका पीच है, मेरा पर्पल। पागल है क्या, तेरा पिंक है मेरा भी पिंक है, चुप रहे। डिफरेंस होता है। कैसे हैं? बढ़िया। फिर 2 दिन स्टे करें या फिर 1 दिन की जगह? अच्छा लग रहा है, 2 और 3 है। हाँ अच्छे है रूम, सो नीट एंड क्लीन। ये हम ले लेते हैं, ये ज्यादा नीट एंड क्लीन है, इसमें तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नाइस यार, ये तो बहुत बड़ा है। फिर हम ये ले लेडे का बड़ा पैकेट। अरे मैं खाऊंगी आधा आधा, ठीक है? हमारे रूम में भी होगा पागल। कॉफी भी है, शुगर भी है, ग्रीन टी भी है, लो जी वाईफाई भी है। क्या लेगी और तू? अरे यार इस वाले रूम में रहते ना। चल कौन सा रूम ले रहे हो आप लोग? 3 और 4, कोई भी तुम एक ले लो। हम 3 ले रहे हैं। ओके थैंक्स। तुम लोग 4 लो, हम 3 ले रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा है आपका, बाय। वो ज्यादा अच्छा है। गाइस जल्दी से आ जाओ, हमारा रूम नंबर 3 है। ये मेरा टॉवल है, ये तो यार इनकी बोतल तो बहुत अच्छी है, ये मम्मी इनकी बोतल तो बहुत अच्छी है। ये वॉशरूम देखो, वॉशरूम बहुत बड़ा है। हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग एरिया में। वाह चलो खाना खाते हैं आराम से, एंजॉय करते हैं अपना डिनर। ओए हाँ सुपर नाइस। पिक्चर बनी हुई है डाइनिंग एरिया में। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, थोड़े ओनियन दीजिए, थोड़ा लेके चलता हूँ, एक में काम चलाता हूँ। मजा आया आपके गुलाब जामुन, गरम रहेंगे ना गुलाब जामुन, गरम देना। लोगों को 4-4 गुलाब जामुन देना भैया, कितने खाओगे? 4-4 भाई पूरी ट्रिप के गुलाब जामुन। नींबू पानी ना जग में कर दीजिएगा, रूम में ले लेंगे। रूम में भेज देगा ना यार। हाँ तो रूम में भी कर दीजिएगा ट्रिप में ना। गाइस आइसक्रीम भी है, हो जाएगा गुलाब जामुन। सोच के अजीब सा हो रहा है, मिस किया बहुत, यहाँ आके एंजॉय करता।
इधर बेटा गुलाब जामुन तो छोटे साइज है बेटा, एक और प्लेट दे दी। नहीं नहीं बहुत है, थैंक यू, बहुत है बहुत है। चलो मैं नहीं खाऊंगा, किसने गुलाब जामुन? मेरा बटर स्कॉच है, या तो मैंने ज्ञानीस की बटर स्कॉच खाई है या ये मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। बटर स्कॉच कौन से ब्रांड की है? वो टेस्टी है, बहुत अच्छी है, क्रंची क्रंच वाली है। क्यों मन मार रही है? दूध नहीं है इसमें। रूम पे जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा वो डेयरी जो है वैसे 6020 है और 601 है। अपने खानदान लगता नहीं पता। हंस क्यों रहे हो? अरे दीदी कह रही है एक्चुअली मैं सुनो, दीदी कह रही है, दीदी कह रही है 6 बजे थोड़ी उठेगी, मम्मी कह रही है ये तो उड़ जाएंगे। और मेरे रूम में तो गर्ल्स है, लेडीज शोर करने की जरूरत नहीं है 9:30 से पहले। और मम्मी कुंडी लगा के सोएंगे ताकि ये लोग आए ना, ये भैया आके लिटरली टीवी चला, मेरा सर दर्द हुआ है सिर्फ इसकी वजह से। सो गाइस इधर चल रही है मेरी एवरीथिंग एंड टाइम हो रहा है 11:30, सब सो चुके हैं, दीदी और मम्मी इधर, ऋषभ इधर, परिन इधर, मैं सोऊंगी उधर एंड फटाफट से एडिटिंग निपटाती हूँ और फिर सोती हूँ क्योंकि हम सो ही नहीं पाए हैं। हम लोग डेली 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आफ्टरनून में भी सोने का टाइम नहीं मिल रहा, तो फटाफट से एडिटिंग निपटाती हूँ एंड सोती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। मेरे रूम में सब लोग सो रहे हैं और मैं जल्दी उठ गई तो मैं आ गई हूँ जेंट्स रूम में। ये देखो ये सारे पड़े हुए हैं, तो फ्रेंड्स हमारी सुबह की टी हो चुकी है और ये है हमारा रूम का व्यू, मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रूम है, ये रूम की बालकनी है जो कि इन लोगों ने पूरी कवर की हुई है और ये जो उन्होंने बीच पे कपड़े गीले करे थे वो सूख रहे हैं इनके। और ये हमारा रूम है सामने लेडीज़ का, ये इधर दीक्षा जी के कपड़े सूख रहे हैं और इधर ये इन लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नहा चुके हैं, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने सोचा पहले नाश्ता करें उसके बाद ही आके रेडी होंगे क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम है, हमारी ट्रेन है लेट की तो जल्दी जाके भी क्या करना है, एक दो जगह ही हैं घूमने की। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए, फिर आपको मिलते हैं दिल्ली में। ये सामने विराजमान है हिटलर हस्बैंड जी। तो चलिए फ्रेंड्स पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद करते हैं कुछ और काम। तो फ्रेंड ये टी शर्ट्स लिए हमने वहाँ से जंगल सफारी से, सब ने एक जैसे, अभी ये नमूने बनेंगे पहन के। हम लोग चल दिए नाश्ता करने, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और 10 बजे तक लास्ट मिनट का ब्रेकफास्ट। नहा लिया आप? नाश्ता करके नहा लिए। ये न्यूज़ किसने चलाई है? उपमा चटनी विल हैव पराठा दही के साथ चाय। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, भावेश जी, ऋषभ जी, मीनू दी, इधर परिन मैडम, मम्मी पापा, जीजू दिख नहीं रहे। मम्मी आप तो ब्रेड नहीं खाते थे है? वाली खाती है। अच्छा ऐसा भी है, कैटेगरीज है। ये बात मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, मैं टोस्ट वाली खाती हूँ लेकिन ब्रेड नहीं खाती। मैंने इस चीज में पापा के साथ अग्री करती हूँ। पीला मक्खन नहीं खाती थी? हाँ पीला मक्खन से गंदा लगता था, फिर वाइट आ गया। अब भैया छीतेगा मुझे लग रहा है। क्या मार रहा है इसका? और सबसे छीतने का आ रहा है पापा, सबसे एक से ही सबसे। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट का, देख मैं ही सोर्स हूँ उतार। हाँ अच्छा मम्मी आप तो बटर बिल्कुल भी नहीं खाते थे, येलो बटर ऊपर से एक्स्ट्रा और लगा रहे हो। तेरी माँ आलू पराठे नहीं खाती थी वो खाया, तेरी माँ उपमा नहीं खाती थी वो खाया, तेरी माँ बटर नहीं खाती थी वो लगा रही है, ब्रेड नहीं खाती थी वो खा रही है,
मैं 40 चीजें गिनवा दूं ना तो 80 मना करती है कि मैं नहीं खाती। तेरी माँ जिस पति को नहीं झेलती थी ना उसको भी झेल रही है। वो तो मजबूरी है, और कोई मिला नहीं ना। मिले तो बतेरे थे, नहीं मिला। हाँ, भगवान ने तुम्हें लिख दिए थे, सब रिजेक्ट कर गए थे। हाँ, ये था कि लास्ट है, चलो ये भी गया तो फिर मम्मी बटर देना, बटर। चलो चलो काम करो अपना। चलो कार्टून देख लो। अरे चलो तो फ्रेंड्स, ये आ गई मेरी चाय, नाश्ता हो चुका है, डन। बताओ भी कार्टून लगा के आया तो बेटा, जरा टीवी में देखो, न्यूज़ चल रही थी, कार्टून लगा के अभी तक भी बच्चा है। बच्चा बता, नोना तू हर रोज दीक्षा को नहीं देखता? बताए, दीक्षा को देखता है ना, देखता है ना, फिर भी कार्टून लगाया तूने? टीवी में लगा के आ गया, उसको दो कार्टून देखने थे एक साथ, दो तो बैठ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, नहा ली हूँ, सबने हमने ये टी शर्ट्स पहन ली हैं, एंड आ जा रहे हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड ये परिन वाला चश्मा बहुत काम आ रहा है, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग चल दिए हैं और अब हम जा रहे हैं, क्या है, लिबर्टी ऑफ यूनिटी, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर, सारे शेर, और तुम ये देखो जब्बू से बनके चल दिया है। मटक रही है, ये देखो पूरा शेर। ओ गोवा की फीलिंग है, सारी माँ बेटियों ने यही ले ली इन्होंने। गोवा तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, इनके यहाँ ले तो नहीं जा रही फीलिंग। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे तुम्हारे एग्जाम में, जो तुम गोवा की भी फीलिंग ले रहे हो डबल डबल यहाँ पे। हाँ। एक्स्ट्रा चार्ज, संदीप जी तैयार हो जाओ पे करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज। 1260 रुपए इन्होंने देने, संदीप जी ने इनके नाम का बिल फटा है, हम जो दे जब बिल इनके नाम का फटा तो। नहीं पी क्योंकि मामी का मन नहीं था चाय पीने का, फिर सुबह चार कप, चार कप चाय पी चुके, चार कप इन्होंने वैसे ही बदनाम कर, चार कप चाय पी ली आपने दी। सुबह उठते ही हमारे कमरे, हमारे कमरे में आई चाय दे दो, फिर कहती है हलक से चाय नहीं उतरी, एक और चाय मंगवाई, फिर नीचे डिनर जाके फिर चाय, फिर ऊपर आके फिर चाय नहाते हुए। सही बोल रहा है, इतना तो सही बोल रहा है, गिनती करा सकते मैं चाय की अब तक ट्रिप पे, कम से कम इन्होंने कम से कम 40 से 50 कप पी चाय अभी तक। पी तो पी, हफ्ते भर के अंदर 40-50 है। हाँ कोई बात नहीं, तेरी लस्सी पे 10 रुपए लगे, हम 100 पी लेंगे, तू बोल अपनी। नहीं तेरी लस्सी पे 10 रुपए। अरे चलो लस्सी ग्लास भर के दे, इनकी इतनी सी चाय 10 रुपए की, मेरे इतना बड़ा ग्लास 10 रुपए का था, इनकी इतनी चाय 10 रुपए की। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी और जा रहे हैं जो भी वो स्टैचू है, मैं बार बार उसका नाम भूल जाती हूँ, उस वाले स्टैचू पे। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं, और ये एज यूजुअल इन लोगों के ताश शुरू हो चुके हैं, ये चारों जनों के बैठ चुके हैं ताश के लिए। ये दो हमारे पास गोवा परियां हमारे साथ हैं, दोनों के दोनों। ये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे क्योंकि फॉरेनर्स के एक्स्ट्रा चार्ज है, तो मुझे लगता है इनके भी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चार्ज। अपने टिकट भैया खुद ले लेना दोनों, तो हम सिर्फ अपने टिकट लेंगे। हम इंडियन, देखो इंडियन लग रहे हैं बिल्कुल, इंडियन लोग। तो चलते हैं फटाफट से घूमने के लिए, जो भी वो स्टैचू है। हेल्प वाले मम्मी सुनो, तुम्हारी तरफ पागल नहीं है, लोअर चाहिए ना, B10 में सिंगल लोअर आया है आपको, वहाँ और आपका टच और आपकी मेकअप किट सुबह मार दीदी, मेरे लोग मिलेंगे मैं हेल्प करने के लिए। पापा लोअर B10 वाला मम्मी को देते हैं, एक बार बोल दो ना, औलाद से ज्यादा और लोग हेल्प कर देते हैं। अब B1 और B2 में आई है, असली टिकट तो परिन की आई है B10 में, नहीं मेरी असली किसमें आई है, सब अपनी अपनी टिकट ही लो। मेरे को दे दो B10 का लोअर, सब कुछ शांति चाहिए, मैं अपनी रेड अटैची लेके चली जाऊंगी। भैया मैं तो आगे से बैग लाऊंगी नहीं, चाहे जितना मर्जी लगेज हो जाए, मेरी तो अटैची बड़ी है, मैं तो बैग से परेशान हो चुकी हूँ, मैं नहीं लाऊंगा आगे से बैग, मेरे को तो कोई बोलेगा नहीं आगे बैग लाने के लिए। ये थोड़ी बोला था अटैची पूरा बैग ले लिया, नहीं मेरे को नहीं लेना, मैं अपनी अटैची लेके आऊंगी आगे से, मैंने पैसे डाल के अपनी अटैची खरीदी है अपने लिए, मैं इतने संकट लुढ़कता ही रहता है। मैं आगे से अपनी अटैची लेके आऊंगी,
एक इससे बड़ी और खरीद लूंगी। ये ऐसे बैग है ये रिशु और भावेश के लिए, 8-9 दिन के लिए जाना होगा। अरे रिशु भावेश के इतने बड़े नहीं चाहिए, हमारा छोटा होगा। बच रहे हैं 2, हम लोग निकले हैं, रुके हैं मैकडी और मैकडी में सब कुछ पैक करा रहे हैं, गाड़ी में खाते हुए फिर निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी।